हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। पानी पूरी या गोलगप्पे खाना किसे पसंद नहीं, और पानी पूरी की पूरी जितनी ज्यादा फुली फुली क्रिस्पी करारी बेहतर होगी, खाने का मजा उतना ही ज्यादा होगा। तो चलिए आज बनाते हैं सूजी के क्रिस्पी करारे गोलगप्पे, बिल्कुल सिंपल और यूनिक तरीके से। सबसे पहले गोलगप्पे का हम डो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप सूजी। सूजी आप मोटा पतला कोई भी ले सकते हैं, आप अपनी चॉइस का सूजी ले सकते हैं। और ये मैंने डाल दिया है इसमें तेल। तेल मैंने 1/4 कप डाला है। और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमें मोए नहीं देना है, बस हल्का सब मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट के अंदर ये मिक्स हो जाएगा। फिर थोड़ा हल्का गर्म पानी, यानी कि उंगली बर्दाश्त कर सके उतना गर्म पानी हम ले लेंगे, और उसे हम थोड़ा थोड़ा करके इस सूजी में ऐड करेंगे। हमें थोड़ा टाइट डो बनाना है, तो इसीलिए हम पानी बहुत कम डालेंगे, ज्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे। और जब ये अच्छी तरह से एक जगह इकट्ठा होने लगे, तब हम इसे थोड़ा पटक पटक के अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट तक डो को मस लेंगे, जिससे हमारे डो में अच्छा एक लचक पैदा हो जाए। जब पूड़िया बने तो एकदम फुली फुली बने। तो इसके लिए आपको कई बार पटकना पड़ेगा, 1-2 बार नहीं, कम से कम 15 से 20 बार आप पटक करके इस तरह से डो बनाइएगा। और अच्छी तरह से जब डो बन जाएगा, तब हम इसे रखेंगे नहीं, बिल्कुल फटाफट उसी वक्त बनाना स्टार्ट कर देंगे। इस डो को आपको रखना नहीं है फूलने के लिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा इसे पटक के बनाओगे, उतनी ज्यादा ये सॉफ्ट ऑलरेडी हो चुकी है। ये देखिए इसमें कितना लोच आ चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी है। इसमें से एक बड़ा टुकड़ा कट कर लीजिए पूरी बनाने के लिए, और बाकी के हिस्से को गीले कपड़े से ढक दीजिएगा। तो मैं इसे गीले रुमाल से ढक रही हूँ, कॉटन का है। ध्यान रहे कॉटन का ही कपड़ा आप यूज कीजिएगा ढकने के लिए। और बचा हुआ एक जो छोटा हिस्सा है ना, हमने जिसे अलग निकाला था, सेपरेट किया था, उसमें से छोटे छोटे लोई निकाल लेंगे। लोई की साइज आपके गोलगप्पे पे है कि आप कितने बड़े गोलगप्पे बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से लोई के आप छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लीजिए। अब इनमें से एक टुकड़ा ले लीजिए और इसे अच्छी तरह से गोल करते हुए एक लंबा पेड़ा बनाइएगा। मतलब सिलेंड्रिकल टाइप का, बहुत गोल मत बनाइएगा। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल उसी तरह से आप लंबा पेड़ा बनाइएगा। अगर आपको लगे बीच में लोई बड़ा हो रहा है, तो उसको काट करके छोटा करके पेड़ा भी छोटा कर लीजिएगा। और इस तरह से जिस सरफेस पे आप बेलने वाले हैं ना, उसको हल्का सा ग्रीसी कर लीजिए। और फिर एक ले लीजिए आप पेड़े को, और उसको आप बेलन से बड़ा कर लीजिए। आप एक ही डायरेक्शन में ऊपर और नीचे के साइड में ही बेलन को चलाइएगा, बिल्कुल इसी तरह से। क्योंकि जो सूजी के गोलगप्पे होते हैं, उसका मार्केट में यही शेप और साइज रहता है। तो एक मैंने बेल लिया, एक और आपको बेल के दिखाती हूँ। बस 2 बार आप बेलन चलाएंगे और ये बेल करके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये दूसरा पानी पूरी का जो पूरी है, वो बन करके रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम इसे तल लेते हैं, क्योंकि हमें तुरंत बेलते भी जाना है और साथ में तलते भी जाना। तेल को अच्छा गर्म रखिएगा, बहुत ज्यादा एकदम हाई फ्लेम पे ही आपको पानी पूरी की पूड़ियों को तलना है। तो एक एक करके आप डालते जाइए, और जब ये अपने आप ही खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे, जब फूलेंगे ना तो अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे, आपको ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। और जब ये ऊपर जिस तरह से देखिए आ रहे हैं, तो बस हल्का सा इसको पलट दीजिएगा, बहुत हल्के हाथ से पलट दीजिएगा। और ये आराम से दोनों साइड में जब गोल्डन सिक जाए, तो आप एक एक करके सारी पूड़ियां निकाल लीजिएगा। ये मेरा पहला बैच है पूड़ी का, इसलिए मैंने थोड़े कम डाले हैं। इसी तरह से मैंने बाकी के सारी पूड़ियां तल ली है। चलिए सर्व करते हैं। ये लीजिए फुली फुली सूजी के पूरी या गोलगप्पे बन करके बिल्कुल रेडी है। ये पास से इसका लुक और टेक्सचर देखिए, है ना एकदम कमाल का फुला फुला। तो चलिए अब इसे तोड़ के देखते हैं। सुना ना कितने करारे बने हैं, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा सॉफ्ट, एकदम परफेक्ट। अब चलिए फटाफट हम प्लेट लगा देते हैं पानी पूरी का। ये 2 तरह की पानी और स्टफिंग के लिए जो फिलिंग चाहिए वो, और कुछ मसाले और छोटे छोटे टुकड़े में कटे हुए प्याज और धनिया, बस सारी चीजें हैं रेडी। अब चलिए फटाफट हम एक पूरी बना डालते हैं। मुंह में बहुत पानी भी आ रहा है, तो ये लिया मैंने एक पूरी और इसे तोड़ लिया। अब हम इसके अंदर जो स्टफिंग है वो भरूंगी। तो स्टफिंग में मटर का भर रही हूँ, आप सिर्फ आलू का भी भर सकते हैं, मेरे स्टफिंग में मटर आलू दोनों है। स्टफिंग और पानी कैसे बनता है मैंने पहले ही दे रखा है, डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। और ये रहा पानी, जो हमारी खट्टी वाली पानी है ना वो, और ये मीठी पानी।
तो दोनों में एक एक चम्मच इसमें डाल देती हूँ। और इसका लुक और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ऊपर से थोड़ा ये जीरो साइज वाली भुजिया। कोई भी चीज अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और अब मैं इसमें थोड़ी सी प्याज और धनिया डालना भूल गई हूँ, तो फटाफट वो भी डाल देती हूँ। बस थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी धनिया, और ये हमारा एक पानी पूरी बन करके बिल्कुल रेडी हो गया। आप रेसिपी एंजॉय कीजिए और मैं पानी पूरी। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।